शुरुआती काम से भी भाई चूहो ने ऐसा शॉर्ट कर दिया ना कि पासिंग लाइट चालू कर रहा हूँ ना गाड़ी का, तो एसी का और अंदर के डिस्प्ले की लाइट ही नहीं आ रही, और पासिंग लाइट और हेडलाइट बंद करता हूँ तो डिस्प्ले आ रहा है, वही रिपेयर करवा निकला है। कोई भी गाड़ी का फोर व्हीलर का अगर वायरिंग का काम करेंगे ना तुम लोग को, तो भाई ये बंदा एक नंबर चैंपियन बंदा है, इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इसको कॉल करना और मेरा नाम बोलना कि मैंने नंबर दिया हो, बात करना, ये कर देगा काम, कोई भी काम हो वायरिंग का, बंदा बहुत ज़बरदस्त है। चूहे मामू लोग ने काम बड़ा डाले भाई अपना, सीधा टच सिस्टम भी खोलना पड़ा गाड़ी का पूरा, है कुछ भी नहीं काम बाकी, उसने किधर से वायर ब्रेक किया है ना, वो वायर को ढूंढना और कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सब चेक करने में इतना टाइम गया ना भाई, तो फिर का खाना भी नहीं खाया हूँ। ये साइड से तो कुछ मिला नहीं भाई, आगे वो साइड से बैठने के लिए भाई मैकेनिक वालों का ना एक शॉट बहुत गंदा है, एक काम पूरा कंप्लीट नहीं होता और वो दूसरे के पीछे चले जाते हैं। अरे देखो भाई अभी अपना काम चल रहा है और भाई चले गए अपने उधर दूसरा गाड़ी देखने। लाइफ में ना कभी भी भाई तीन लोग को चेंज नहीं करने का, पहला सलून मैन, दूसरा एडवोकेट, तीसरा अपना गैरेज मैकेनिक, और भाई जिम ट्रेनर भी चौथा ऐड कर लो, ये सब चेंज हो जाते ना भाई तो शेड्यूल ख़राब हो जाता है। गैरेज में ना कब टाइम जाता है भाई मालूम ही नहीं पड़ता है, बस काम करते करते शाम के 6 बज गए। आ गया अभी देखो बंद क्या हुआ था मालूम, ये पासिंग लाइट चालू किया तो ये सब बंद हो जाती थी यहाँ की लाइट, ऐसा हो जाती सब बंद। अभी निकलता कुछ खा के जिम के लिए, वर्कआउट थोड़ा करता हूँ और बताता हूँ आगे फिर कैसे जाता है अपना आगे का टाइम। आ गया भाई जिम, क्लाइंट लोग को वर्कआउट करवाने के बाद पूरी हालत डाउन, एक तो दोपहर का खाना भी लेट खाया, डाइट भी पूरी नहीं हुई, मूड भी नहीं है वर्कआउट करने का, पर ऐसे लाइट लाइट करता हूँ नॉर्मल, स्किप नहीं होना चाहिए, 3 सेट मार लूँगा नॉर्मली और फिर निकल जाऊँगा भाई, भूख भी लगी है फिर। सोचा था बैक का ऐसा तगड़ा वर्कआउट करूँगा भाई, पर मूड ही नहीं था करने का, क्योंकि डाइट भी आई नहीं हुई, भूख भी लगी थी, फिर क्लाइंट लोग को वर्कआउट करा के फिर करने का 10:30 बज गए थे, तो इसके लिए ऐसा था मन में कि कब घर पे जाऊँ, और बैक का जो वर्कआउट था वो भी मिस नहीं करने का था मेरे को, तो इसके लिए 3 सेट कर रहा हूँ नॉर्मल और अभी निकल जाऊँगा। फिर सोचा वर्कआउट करते करते क्या घर पे नॉर्मल वही दाल चावल बने थे वो खाने से अच्छा सोचा ढाबे पे थोड़ा चले जाओ, अभी ऑफ में तो कैसा ज़रा बाहर का खाना चल जाता है, फिर कट डाउन पे रहूँगा तो फिर बिल्कुल भी नहीं। क्या मारेगा तू? 15 डिप्स। तू क्या मारेगा? अरे हम लोग के क्या गिनेगा पूरा बोल, चल अरबाज ले बैठक मारते तीनों मारते साथ में, फिर क्या कितने 50 जिम में आए और ऐसी खाली आ जाएंगे अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसके लिए थोड़ा बॉडी को टॉर्चर देना इनके जरूरी था, इसके लिए थोड़ा इनको पुशअप करवाया, करवाने वाला था मैं लेग्स इन लोगों को, पर इन लोगों ने शाने लोग ने किए नहीं, पर जाने तो देखो आगे, सोचा इन लोग जिधर थक जाएंगे इनको और पुश करूँगा, पर ये शाने लोग ने किए नहीं, इनको मालूम है कि 2-2 दिन तक ही दुखेगा। पीछे से हमारे संदीप सर भी चेहरे पर, इसको देखो पकड़ा तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये मेरे बचपन के जिगरी साले, ये जिम में भी आ गए तो मैं भूल गया कि मैं जिम में ट्रेनर हूँ, इनके साथ मस्ती में लग गया। आया सिद्धू पे खाना खाने और अभी इसके बाद भाई जो भी दिखाऊंगा खाना यहीं से एंड कर दूंगा, क्योंकि फोन की बैटरी भी सिद्धू पे और आलू जीरा नहीं खाएंगे ऐसा हो सकता क्या?